अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीक की क्लोजिंग देखें तो अनफॉर्चुनेटली हम देखें यहाँ जो है कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई नज़र नहीं आई। आपको याद होगा जो मैंने लास्ट वीक जो वीडियो शेयर की थी, जो एनालिसिस किया था, तो मैंने बोला था ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो है ये एक ग्रेव स्टोन डोजी कह सकते हैं या इन्वर्टेड हैमर कर सकते हैं। इसके बाद वाले जो आज ये वीक जो है जो अभी गुजरा है, इसमें एक बुलिश कैंडल फॉर्म अगर होती है तो हम मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ एक डोजी फॉर्म होते हुए देखा है। इसको मैं थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लें, ये देखें ये एक डोजी फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये समझें कि ये एक तरह से अगर हम इसको ग्रेव स्टोन कहें तो गलत ना हो, क्योंकि ये भी एक तरह से ग्रेव स्टोन या इन्वर्टेड हैमर है। इसको भी हम कह सकते हैं कि ये ग्रेव स्टोन है या एक मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं। मॉर्निंग स्टार इसलिए नहीं कहेंगे कि इसकी जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी वो 43,250 के अराउंड हुई थी और इसकी क्लोजिंग जो है 43, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये वीक जो है अभी साइडवेज ही है। वीकली अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो मार्केट साइडवेज है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो श्रिंक हुआ है। लास्ट वीक जो है 811 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जबकि इस वीक जो है 415 मिलियन का जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अगर ये यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल अगर हम देखते हैं, होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि ये एक बुलिश कैंडल यहाँ फॉर्म होगी, होनी चाहिए। अगर मज़ीद अगर अपसाइड मार्केट हम यहाँ देखना चाहते हैं तो इस एरिया को ब्रेक करते हुए ये समझे ये इसकी ये ओपनिंग अगर हम इस वीक की देखें, हम ये क्लोजिंग इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। ये क्लोजिंग था 44,128, 44,150, ये समझे। हाँ, ये इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई, जब तक जब से मार्केट ये तकरीबन 22 नवंबर का है। 22 नवंबर के बाद अभी तक जो है ये मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक करने में नाकाम रही है। लेकिन एक फॉर्चुनेट चीज़ ये है कि यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज है, नीचे की साइड पे, और 42,800 अगर हम देख लें वीकली हिसाब से तो 42,800 से लेके 42,500, ये समझे 600 700, ये समझे तकरीबन 42,800 का जो है स्ट्रॉन्ग लेवल है। डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे जो है ये समझे ये अपने ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम्स को ब्रीच भी करता है ये लेवल को, लेकिन वहाँ पे हम बाइंग की सपोर्ट देखते हैं बायर्स की। और यहाँ पे इस क्लोजिंग जो है यहाँ पे इसकी हो रही है। अगर देखें तो ये लास्ट वीक की जो क्लोजिंग होती है ये तकरीबन 43,246 इस तरह के अराउंड हुई थी, और आज जो इस वीक की क्लोजिंग है 43,300, तो क्लोजिंग अच्छी है। होपफुली नेक्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है बुलिश कैंडल बनाते हुए बुल रन दे सकती है। अच्छा, वीकली से पहले हम थोड़ा ये नज़र डाल लें डेली पर भी। मैंने जो है मुख्तलिफ व्हाट्सएप चैनल हैं उनमें मैंने अपना ये एनालिसिस शेयर भी किया था। देखिए, एक तो अच्छी साइन ये है कि जैसे हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रोज, ये कंटिन्यूसली अगर ये तीन बेरिश कैंडल फॉर्म होती हैं तो नेक्स्ट जैसे ये लेवल बताया मैंने आपको 42,800 42,700, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा रिटेस्ट कर सकती है और हो सकता है करे ये आने वाले दिनों में। लेकिन डेली चार्ट पे जो क्लोजिंग जो मैं बता रहा हूँ वो 43,500 के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये जो लेवल है 43,600 43,500, इसके ऊपर मार्केट क्लोज होना बहुत ज़रूरी है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, मार्केट की डेली क्लोजिंग आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, तब आप इसको होल्ड कीजिएगा, वरना अदरवाइज ये जो लेवल है ये सेलिंग लेवल ही है। मैंने पहले भी कहा था 43,600 43,700 ये एक सेलिंग लेवल है, यहाँ से बाय करें 42,800 700, फिर 43,600 700 पे आप सेल करें। 500 भी एक सेलिंग एरिया है। अनलेस और अनटिल जब तक मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं, मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ,
43,900, ठीक है। ये जब से यहाँ पे इसका ओपन रेट था पिछले लास्ट डे का, इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। इवन ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है 44,200, यहाँ पे भी बहुत कम कम उससे है फासले से। मैं ये रेड लाइन बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। रेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ये रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल लाइन है रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उसको जूम इन करने की ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। ये आप समझ लें, ठीक है। 44,200, 43,900, ये एक समझे हमारा इनिशियली ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। और इसका अगर हम देखें तो ये एक हमारा जो है EMA 30, ये भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसका भी ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है 44,800 के अराउंड जो है। ये मैंने ब्राउन दिया हुआ, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर 44,200 के ऊपर मार्केट क्लोज होती है इसको ब्रेक करके अच्छी कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम जो अपने स्टॉक को होल्ड करें और यहाँ पे हम जो अपना टारगेट सेट करें 44,800 से लेके 45,200 के अराउंड। अच्छा, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और मैंने ये भी कहा था कि ये मैं आपको बता दूं मैंने क्यों कहा था, 43,040 लोग बड़े परेशान हो गए थे उसको देख के, बोले मार्केट ऑलरेडी नीचे है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मार्केट जो है, मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट जो है कैश से चलती है, कैश फ्लो होगा तो चाहे कितनी भी बुलिश कैंडल बन जाए, मार्केट कहीं पे परफॉर्म, कैश फ्लो होगा तो ऑटोमेटिक आपको मार्केट यहीं कहीं परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपको बुलिश कैंडल नज़र आएंगे, यहाँ से फॉरेन बाइंग नज़र आएगी आपको, और मार्केट जो है इस तरह लोअर हाई नहीं बनाएगी। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि जब से मार्केट ने 48,900 का जो है वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रिजेक्शन शो की है, और इसके बाद मार्केट ने एक वक्त में 43,2700 इसके अराउंड जो है रीटेस्ट भी किया था 43,000 के अराउंड, फिर मार्केट ने 47,600, तो ये कि नया हाई था, ठीक है। इसके बाद मतलब ये समझे लोअर हाई था, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना मार्केट ने कई दफ़ा रीटेस्ट किया इस लेवल को 46,500, 46,600, ये लेवल जो है बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पे भी आपको डेली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ अगेन कि ये बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट ने ये रीटेस्ट किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बायर एग्जॉस्टेड थे, इन्वेस्टर एग्जॉस्टेड थे, उन्होंने यहाँ पे कोई बाइंग नहीं की, बल्कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए और उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेलिंग की। ये लेवल 46,600 का, ये अभी हमारा इनिशियली जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, बहुत मुश्किल लग रहा है इसको ब्रेक करना इस मार्केट कैपिटलाइजेशन में। दो के मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमने इंक्रीज बिटने किया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, तकरीबन अगर हम देखें तो इसमें मेरे ख्याल से 40, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी बता देता हूँ कि इसमें कितना हमने इंक्रीज देखा है। हाँ, 40 बिलियन, 40.12 बिलियन वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने इसमें इंक्रीज देखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे इसको लिख भी दूंगा ताकि आप इसको नोट कर लें, और आप अगर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, उनको जो है ये टाइम टू टाइम मिल रहा होगा हमारा एनालिसिस, तो उसमें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ और बताया भी था मैंने, नए वालों को भी बता रहा हूँ कि 8,000 बिलियन रुपीज़ हमारा टोटल मार्केट का कैपिटल है, उसका बेंचमार्क है ये। तो आपको पता है जब तक कि कोई चीज़ हमारे पिविटल फिगर पे नहीं आती है, इसको ब्रेक नहीं करती है, तो मार्केट में हम कोई मजीद अपसाइड नहीं देख सकते हैं। तो आप इसका वेट करें, 8,000 बिलियन रुपीज़ को वापस उसको टच करने में, उसको अचीव करने में, अगर वहाँ पे वो बेंचमार्क हमारा अचीव होता है और उससे ऊपर परफॉर्मेंस मिलती है मार्केट की और कैश फ्लो हमारा बढ़ता है, इन होता है, तो हम लॉन्ग साइड पे जो है हम आ सकते हैं, लॉन्ग पे रह सकते हैं। तब तक अनटिल और अनलेस जो है, अनलेस और अनटिल जब तक ये नहीं होता ब्रेक, एक तो ये लेवल मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है 45,200 और 344,000, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है। इसके साथ साथ आप देखते भी रहे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। जो हमारे बहुत से साथी जो टेक्निकल जानते हैं उनको ओपन इंटरेस्ट का भी पता होगा, मैं आगे बताऊंगा, अभी टाइम इतना नहीं है ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी, तो
तो वो आपको मतलब आपको इससे इजीली पता चल जाएगा कि मार्केट में जो है फ्लो आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बायर के फेवर में है कि नहीं है, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। उसके लिए भी एक फार्मूला है, वो टेक्निकल हजरात हैं उनको पता है ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो अभी इस वक्त बायर के फेवर में नहीं है, ठीक है। और अभी हम ये तो हो गया डेली, आज हम वीकली पे कर रहे हैं। तो वीकली पे मैं आपको बता दूं, अच्छा सॉरी, मैं आपको 43,000 40 क्यों कह रहा था वो भी मैं आपको बता दूं। लोग बहुत से फेसबुक में भी सब परेशान हो गए थे, और कोई कह रहा है बोंगियां मार रहे हैं, कोई कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट है सबकी, हमारी भी है, हमारे क्लाइंट्स की भी इन्वेस्टमेंट है, तो फिक्र तो लगी होती है। तो ये देखें, ये मैंने इसलिए बोल रहा था कि ये जो लेवल है ये 43,099, ये किसका ओपनिंग लेवल था 14 अक्टूबर का, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है, ये कैंडल का जो है क्लोजिंग लेवल था, ओपनिंग लेवल था। इस ओपनिंग लेवल पे मार्केट क्लोज नहीं हुई है, यहाँ पे मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इसको ब्रीज भी किया है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर, लेकिन क्लोजिंग जो है इसके ऊपर दी है, ठीक है। तो इसका मैंने विक लिया था नीचे 43,000, ये समवेयर अराउंड 43,040, और ये सब इसी का बन रहा था 16, 40, 20, मतलब समझे 43,050 से नीचे जो है अगर मार्केट क्लोज होती है तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। ज़्यादा आप रेट को मत देखें कि रेट एक ज़माने में 300 रुपये था, अब ये है स्कूल की मिसाल ले लें, 375 रुपये का हाई किया, कोई सोच सकता था कि 6 रुपये भी आएगा। अगर मैं अगर उस ज़माने बोलता कि 300 रुपये में कि हाई स्कूल 10 रुपये हो जाएगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाते, यार क्या बात कर रहे हैं यार आप, ऐसा थोड़ी होता है, आप बोंगियाँ मार रहे हैं बैठे हुए। तो देखें मार्केट जो है कैश से चलती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और ठीक है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और होप भी रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद, जाहिर सी बात तो उम्मीद है तो दुनिया कायम है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ये टेक्निकल जो है इंडिकेट करता है, मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम कोई प्रेडिक्ट नहीं करते इधर बैठ के, ना हम इस मार्केट को रन करते हैं, ना हम मूवर देन शेकर से मार्केट के, ठीक है। जो बिग प्लेयर्स हैं वही मूव करते हैं, उनका सेंटिमेंट जो है यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है ना। अगर कोई अच्छे, अगर आपको लग रहा होता है कि यार हमको ये कोई जो है ना सारा माल खींच के ले जा रहे हैं, खारा फैला कर रहे हैं, तो इस लेवल पे जो है ना एटलीस्ट 45,200, 46,600 के लेवल पे जो है ना यहीं पे आपको खबरें दे दे के यहाँ से माल छुड़ा रहे होते हैं। इतनी नीचे मार्केट नहीं आती, मार्केट डिस्काउंटेड है और बाय नहीं है, तो दैट मीन्स के अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस लेवल पे लेने के लिए। आगे मॉनेटरी पॉलिसी है मंगल को, आई थिंक 14 दिसंबर को, उसका वेट करें। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे गौर करें कि हमारा इन्फ्लेशन रेट हायर साइड पर है, और IMF की जो कंडीशन है उसको देखनी है। आप इस नेशनल सेविंग के आप देखें बढ़ गए हैं, काइबर के आप देखा करें कि उसका भी रेट बढ़ गया, 11% पे जा रहा है, तो इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी मजीद टाइट होने जा रही है, ठीक है। अगर देखें कोई अच्छी खबर मिल जाती है, कोई एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हो जाता है इकोनॉमी में तो अलग बात है। हाँ, डॉलर अगर गिर जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन डॉलर बढ़ने का जो बेनिफिट है वो आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को ज़रूर मिलेगा, तो उसमें आप देखें। जैसे मैंने इन्वेस्टर हजरा से कहा था कि मैं जो ये मैं टेक्निकल शेयर करता हूँ सिर्फ ट्रेडर के लिए, ताकि वो फंस ना जाए कहीं, कोई समझे कि हाँ बहुत ही जो है ओवरसोल्ड है और बहुत ही अंडर वैल्यू है, ऐसे बात नहीं है। जब तक बायर नहीं आएंगे, बिग प्लेयर्स इसमें एंटर नहीं होंगे, वो शेयर ऊपर नहीं जाएगा। ANL की मिसाल ले लें, 39 रुपीज़ है, कोई सोच सकता था कि 11 भी ब्रेक कर जाएगा। तो बस इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कॉशित रहें, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम पे आप ये ज़रूर देखें कि ये इसकी क्लोजिंग जो है 43,050, 40, 20, इससे नीचे ना हो, ये आप ज़रूर याद रखें। ये जो है ये इसका ओपनिंग है 43,100 या 90 के अराउंड है, ठीक है। इसके नीचे एटलीस्ट क्लोजिंग ना हो, मैंने एहतियातन बोला था कि 43,050 भी देख लें, 40 भी देख लें, ठीक है। अच्छा, वीकली मैं आपको बता दूं, टाइम कम रह गया, बस काफ़ी टाइम हो गया। वीकली में जैसा मैंने बताया है कि इसके ऊपर जो है क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है,
एक बुलिश कैंडल फॉर्म होना, अगर वापस यहाँ पे आती है दैट मीन यहाँ पे फिर आरके इन मार्केट साइडवेज है। और साइडवेज में आपको बता दूँ कि आपको साइड लाइन लेना चाहिए, डेली में जो आपको चार्ट बताया लेवल उसमें आप ट्रेड करें और एग्जिट करें, डे ट्रेड करें और एग्जिट हो जाए, लॉन्ग पोजीशन अभी ना लें। इन्वेस्टर हजरात पी रेशियो देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टॉक का देखें, अच्छे स्टॉक जो है वो नीचे रैशनली बाय करें, आई रिपीट रैशनली, एग्रेसिव बाइंग ना करें, आपको नीचे भी मिलेगा। आपको हो सकता है ग्रैंड सेल लगे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ग्रैंड सेल अगर लगे तो उसमें बाइंग करनी चाहिए। और एक दफ़ा मैं आपको ज़रा मंथली चार्ट दिखा दूँ, ठीक है, ये देखिए आप मंथली चार्ट में भी आप देखें तो ये लेवल जो है यहाँ से देंगे, इसके बाद ये मंथ जो है एक दफ़ा हमने देखा कि यहाँ पे ब्रीच किया था, लेकिन क्लोजिंग जो है पिछली कैंडल से ऊपर हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा तो यहाँ ड्रास्टिकली जो है नीचे आया है ये इंडेक्स। और अभी जो हमारा ये ख़तरनाक लेवल है जो यहाँ पर भी देखें EMA 30, इसको अभी तक ब्रीच नहीं किया है, दैट मीन्स कि अभी कुछ होप है, ठीक है। ये लेवल मैं आपके साथ बता दूं कि मार्केट अगर इंडेक्स इसको ब्रीच करता है 42,400 या 300 इसके अराउंड मार्केट क्लोज होती है, तो बिल्कुल आप एकदम आउट हो जाएं ट्रेडर और इन्वेस्टर, फिर वेट करें कि क्या होता है। क्योंकि देखें यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है कि मार्केट ने परफॉर्मेंस दी यहाँ पे EMA जब से ब्रेक हुआ है, और क्रॉसओवर भी देखें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मैं आप ये देखें ये मार्केट का क्रॉसओवर भी एक्सपेक्टेड है, अगर ये क्रॉसओवर होता है तो जिस तरह मैंने 3 मंथ्स का चार्ट भी शेयर किया हुआ है कि हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, 24,000 इंडेक्स भी आ सकता है, जब मार्केट 4,450 से 54,000 जा सकती है तो 54,000 से 20,000 भी आ सकती है, 24,000, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना कि अनहोनी बात नहीं है ये कोई। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।